उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को बरेली पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि यूपी सरकार 2024 से पहले प्रदेश के हर घर में शुद्ध जल पहुंचाने का काम करेगी और जल्द ही बुंदेलखंड और सोनभद्र मिर्जापुर में भी शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद बुंदेलखंड की महिलाओं को पानी के लिए मीलों पैदल चलकर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मॉनसून आने वाला है, ऐसे में बाढ़ की चुनौतियों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कार्य शुरू कर दिए हैं और 15 जून तक बाढ़ से संबंधित सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे, ताकि गांव और खेतों को सुरक्षित रख सके। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के सवाल पर उन्होंने कहा कि यूपी में कानून का राज है, प्रदेश के अंदर शांति है और हिंदू मुस्लिम शांति से रह रहे हैं। अब यूपी दंगा और गुंडागर्दी का क्षेत्र नहीं है। हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं बल्कि गरीबी से लड़ना चाहते हैं और विकास चाहते हैं। इसके अलावा विपक्ष के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहली बार ऐसी सरकार आई है जो अपराधियों के साथ खड़ी नहीं होती है, कानून अपना काम कर रहा है और अपराध करने वालों को सजा मिलती है। इस दौरान उन्होंने लोगों से पानी बचाने की अपील करते हुए कहा कि बरसात के जल का कैसे संचय हो, इसके बारे में सोचना होगा। साथ ही उन्होंने पौधारोपण, जल संचय और स्वच्छता पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। नल के माध्यम से शुद्ध और जल पहुंचाने का जो माननीय मोदी जी का सपना है, वह सपना 2024 तक साकार हो जाएगा। जो बुंदेलखंड है और विंध्य यानी सोनभद्र मिर्जापुर, ये सभी जनपदों में 22 और 23 के पहले ही इधर हो जाएगा, लेकिन 24 संपूर्ण प्रदेश में सभी घरों में स्वच्छ पानी पहुंचेगा। क्या लगातार ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर टीम जा रही है, उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, राज्य के अंदर शांति है, मुसलमान हो चाहे हिंदू, सब लोग शांति से जी रहे हैं, गरीबी के खिलाफ लड़ रहे हैं, गरीबों को खुशहाल लोग देखना चाहते हैं। अब उत्तर प्रदेश दंगा का क्षेत्र नहीं है, गुंडागर्दी का क्षेत्र नहीं है, ना मुसलमान हिंदू से लड़ना चाहता है, ना हिंदू मुसलमान से लड़ना चाहता है। अब दोनों मिलकर गरीबी से लड़ना चाहते हैं और विकास करना चाहते हैं।